हेलो दोस्त, आज आरआरसी ग्रुप डी न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग में मैं बहुत दुविधा में पड़ा हुआ हूँ। हमने वीडियो अच्छा बनाए हैं, हमने अपने दिल से बनाया है और रूल के हिसाब से बनाया है, किसी को टारगेट करके नहीं बनाया है। लेकिन हमें आज सपना एक आया जिसमें हमारे गॉड ने बोला कि तूने जो काम किया है वो शायद अच्छा से भी अच्छा होते हुए भी स्वीकार कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। ए बोलोगे तो बी वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, बी बोलोगे तो सी वाले पड़ जाएंगे, सी बोलोगे तो डी वाले पड़ जाएंगे। लेकिन मैंने उन्हीं गॉड से पूछा कि अगर भारत में रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन होने पे 75 नंबर वाला सिलेक्शन कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे EWS का हो जो अभी UR वाले के लिए ही रिजर्वेशन है, SC का हो, ST कम्युनिटी का हो, OBC का हो, 75 नंबर लाने पे सिलेक्शन होगा उनका रिजर्वेशन लेने के बाद। और जो UR भर दिया कोई भी कम्युनिटी का कैंडिडेट हो उसका 71.228 में सिलेक्शन हो जाएगा बिना रिजर्वेशन लिए। तो हमें ये मैथ कहाँ से समझ में आ रहा है कि कम नंबर वाला का सिलेक्शन बिना आरक्षण का और ज़्यादा नंबर वाला का आरक्षण का, जबकि सारी क्राइटेरिया फुल कर रहा है कैंडिडेट दोनों। तो क्वेश्चन तो आया कि कितनी भी मेहनत से काम कर लो, लोग क्या कहेंगे सुनते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और दूसरी बात, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। ए के बारे में बात करोगे तो बी कहेगा, बी के बारे में बात करोगे तो सी करेगा, सी के बारे में बात करोगे डी करेगा। हालांकि हमारा ना ए से दुश्मनी है, ना बी से, ना सी से, ना डी से। ये कारण इसका है कि डी को भी जॉब चाहिए, बी को भी चाहिए, सी को भी चाहिए, ए को भी चाहिए, यानी हमारा उसमें रोल नहीं है। रोल है आरआरसी और कैंडिडेट का, हमें काम करना है मार्गदर्शन का। तो इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं, इशू क्या है। इशू ये है कि जो पहले कैंडिडेट, मान लीजिए कि आप एक बार सारी चैप्टर को भूल जाओ, आप नई दिल्ली का, मैं एक बार लेके आपको आता हूँ। हम कहते हैं कि सेकंड डिग्री की प्रोविज़न नहीं होती। क्या नहीं होती, यहाँ से मैं एक बार आपको थोड़ा रेफरेंस लेके चलूँगा। सेकंड डीबी की प्रोविज़न नहीं होती, समझिएगा थोड़ा सा। सेकंड डीबी का कोई प्रोविज़न नहीं होता, केवल फर्स्ट डीबी होता और 50% वेटिंग लिया जाता। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा तब। रूल वही रहेगा, कोई नोटिफिकेशन चेंज नहीं होगा, कोई कोर्ट ऑर्डर चेंज नहीं होगा, आरआरसी भी वही रहेंगे, कैंडिडेट भी वही रहेंगे, सबका कम्युनिटी भी जैसा अभी है वही रहेगा, कोई भी कंडीशन चेंज नहीं रहेगा, यानी 100% कंडीशन वही रहेगा। खाली चेंज ये रहेगा कि सेकंड डीबी के बदले 50% वेटिंग रहेगा, समझिएगा ध्यान से। 50% वेटिंग मतलब लिया जाए तो मेरिट बनती है। किसके लिए? डीबी के लिए। दो मेरिट बनता, एक कैंडिडेट फर्स्ट में जाता और दूसरा कैंडिडेट सेकंड में जाता। फर्स्ट में कितने जाते हैं? 100 कैंडिडेट 100 पोस्ट के लिए, यानी 1:1 रेशियो का यहाँ जाते, 1:1/2 का रेशियो का, 1:2 रेशियो का, जितने पोस्ट का है। अब 1:1 रैंकी का जो कटअप जाता वो जाता, सीधी सी बात है, 75.8 UR का। ध्यान से देखिएगा, 66 या जो भी गया है AC का, ST का, 70 OBC का, 65 पॉइंट इसका, ये फर्स्ट डीबी में जाता, समझ गईगा। और जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं सेकंड में, जिनका सेकंड डीबी के बदले वेटिंग लिया गया, उनका कटअप इन सारे से नीचे होता? तो आप कहिएगा बिल्कुल नीचे होता। अब इन सारे से कटअप से नीचे होता तो जो फर्स्ट डीबी में है वो छोड़ देता जॉब, तो किसको मिलता? तो आपके मन में संदेह पैदा हो जाता है। संदेह कैसे पैदा होगा कि जब फर्स्ट डीबी में कटअप होता तो जब UR की जो पोस्टें हैं उसमें जब कटअप कम होती तो जो यहाँ से कैंडिडेट है OBC का या EWS या AC का, जिसका कटअप जितना कम होता वो कैंडिडेट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता UR में, फिर जो बचती सीटें वो बन जाती किसकी? अलग अलग कम्युनिटी का। अब हुआ क्या कि अब हो गया वेटिंग तो रहा नहीं, अब रह गया सेकंड डीबी। रेलवे बोर्ड ने चेंज कर दिया तो हो गया सेकंड डीबी। जब सेकंड डीबी में बात हुई तो सेकंड डीबी में तो बोला जा रहा है, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कि 75.08 से जो सीटें खाली है, ध्यान से देखिएगा,
और जो बाकी कम्युनिटी के सीटें थी वो 75.8 नंबर से नीचे नंबर वाले लाने वाले जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे किसी कम्युनिटी के हों, वो कैंडिडेट तो अपने अपने कम्युनिटी में गए। कम्युनिटी में जाने के बाद उन्होंने अपना जॉब सिक्योर कुछ तो कर लिए, कुछ नहीं किए। और नहीं किए उसका कारण है कि जो 75.8 से ज़्यादा यूआर में कम्युनिटी वाले कैंडिडेट थे उनको नीचे दिया गया। यानी इसको नीचे देने के मतलब कहते हैं रिवर्स कम्युनिटी शिफ्टिंग। अब रिवर्स कम्युनिटी शिफ्टिंग तो आरआरसी को याद आ गया, यानी ज़्यादा नंबर से तो नीचे ला दिया उसको कम्युनिटी में, और सही भी है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, सही है, बिल्कुल सही तरीका है कि जो कैंडिडेट को पोस्ट नहीं मिला यूआर में उसको नीचे तो ला दिया किस में, कम्युनिटी में। लेकिन जब बारी आई सेकंड डीबी को, तो सेकंड डीबी में जब 71.029 का टफ आया तो कह रहे हैं कि हमें रिवर्स कम्युनिटी तो किए हैं लेकिन फॉरवर्ड कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं करेंगे। यानी सिंपल सी फार्मूला ये है कि अगर कोई माने ही नहीं तो उसको सुनाई देने से क्या अंतर पड़ता कि बाहर में क्या साउंड चल रही है या नहीं चल रही है, गवर्नमेंट का रूल क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, या आगे का फैक्टर क्या है, क्या इस पे इफेक्ट किसको पड़ेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी, मेरिट लिस्ट हम पब्लिक में डालेंगे या नहीं डालेंगे, ये सारा मैटर है। यानी गॉड ने जो कहा था बातें वो बिल्कुल साफ है कि सुनने वाले के लिए तो थोड़ी सी आवाज़ ही काफ़ी है, लेकिन अगर नहीं सुनना चाहे तो लाउड स्पीकर भी कम पड़ जाता है। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट यही है, और सिंपल सी बात है, कंसेप्ट यही है कि अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं हो रहा है उसका दो कारण है। एक कारण है कि कहीं से कुछ ऑर्डर होगा, और दूसरा कारण है कि उन्हें मालूम ही नहीं है, और मालूम नहीं होता तो कोई बताए तो समझ में आ जाता। लेकिन सिंपल सी बात है, दिक्कत क्या है कि 75 नंबर ला के अगर कोई कैंडिडेट है, मतलब 75.08 से कम लाने वाले सारे कैंडिडेट फर्स्ट डिवी में आ गए तो उनको सीट नहीं मिलेगा, उनको अपनी सीट अपनी कम्युनिटी में मिलेगा, और कम्युनिटी में भी जो लोग 70-71 के आसपास थे उनको तो A2, A3 मेडिकल के कारण बाहर कर दिया गया, क्योंकि रिवर्स कम्युनिटी शिफ्टिंग यहाँ पे तो अलाउ है। रिवर्स कम्युनिटी शिफ्टिंग यानी यूआर से अपने कम्युनिटी में आ सकते हैं लेकिन अपनी कम्युनिटी से ऊपर नहीं जा सकते। इसका सिंपल सा इंस्ट्रक्शन एक ही है कि रिजर्वेशन को फॉलो नहीं करना है, चाहे टेक्निकली सही हो या गलत हो। हालांकि रेलवे के बारे में नहीं बोलना चाहिए, रेलवे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, अभी शायद किसी कारणों से या टेक्निकल रीजन से या कहीं का इंस्ट्रक्शन के कारण से या जो भी रीजन रहा हो, शायद अभी कंसेप्ट में लैग कर रहा है, लीड नहीं लैग, लैग मतलब पिछड़ना होगा, जिसके कारण से बहुत सारे रूलों का फॉलो नहीं हो रहा है। यही कारण है 75 वाला का और 71 वाला का, दोनों इशू है। हालांकि यूआर वाले कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा जॉब लगने में, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई किए हैं, और यूआर का रिप्लेसमेंट ईडब्ल्यूएस से हो गया है। यूआर के पूरे कैंडिडेट 10% कम पिछली वैकेंसी से सेलेक्ट हुए हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा हूँ, और 10% प्रोग्रेस कर गए ईडब्ल्यूएस वाले, जबकि पूरी वैकेंसी में 3% ही केवल ईडब्ल्यूएस ने अप्लाई किया था कैंडिडेट। पूरे आरआरसी का रेशियो देखिएगा, रेलवे का डाटा है, उसमें 3% कैंडिडेट अप्लाई करके 13% पोस्ट में पीटी क्वालिफाई किया है। यानी ईडब्ल्यूएस ने मेहनत किया और जो रिजर्वेशन की बेनिफिट है वो उठाया, लेकिन गवर्नमेंट अभी जाके लास्ट स्टेज पे शायद कुछ तरीके में अलग आ रही है। तो चलिए, कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझसे कहने से कुछ नहीं होगा और आपको कहने से कुछ नहीं होगा, डिसीजन आरआरसी को लेना है, और आरआरसी अगर डिसीजन लेना चाहेगी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन आरआरसी को सबसे पहले मेरिट बना देना चाहिए। मेरिट बन जाए, जो अच्छा कैंडिडेट हो चाहे किसी कम्युनिटी का हो उसको सिलेक्शन देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।